रिम झिम बरस रहा पानी और हो गया मैं लेट, इसलिए छूट गई मेरी रेलगाड़ी। क्या बोल रहे हो यार ये तुम? वरना ये क्या हो गया? हे दोस्तों, आप सभी लोगों ने सुना कि हमारा बॉब छूट गया यार। हे एकदम सही बोल जाओगी, बहुत दुख हो जाए। हे यार बॉब, ये क्या हो गया? चलो दोस्तों कोई नहीं, बॉब हमारा नेक्स्ट पार्ट में जरूर आ जाएगा। हे नेक्स्ट पार्ट में तो होगी, बाढ़ भी आ जाएगी ना, तो भी आऊंगा। हे यार बॉब, जल्दी आओ, तुमने वादा किया था कि तुम थर्ड पार्ट में आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। चलो दोस्तों कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारा बॉब फोर्थ पार्ट में 100% आने वाला है। हे चलो दोस्तों, हम जल्दी जल्दी से हम अपना काम बांट लेते हैं। हे भैया तुम क्या करोगे? मैं घर बनाऊंगा। हे चलो ठीक है भैया, तुम घर बनाना। एंड दोस्तों बहुत तेज बारिश हो रही है और रात भी हो गई है, हम जल्दी से सो जाते हैं। एंड फिर सुबह अपने अपने काम पे लग जाएंगे। ओए वरना सो भी जा। हे भैया सो गया हूँ। चलो ठीक है दोस्तों, हे सुबह हो चुकी है। एंड दोस्तों अब मैं जाऊंगा कोबलस्टोन एंड ट्रीज को कट करने। एंड हमारे भैया बनाने वाले है घर। चलो दोस्तों आप सभी लोगों को वो जगह दिखा देता हूँ जहाँ पे हमारा आलीशान घर बनने वाला है। है जो बीच तो हमारी जमीन पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे हमारा घर बनने वाला है, यहाँ पे रेस्पॉन्ड नहीं होना, ये तो मर गया। चलो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे भैया घर बनाएंगे। एंड भैया मैं जा रहा हूँ। हे ओए वरना चल ठीक है जादू। हे भैया चलो ठीक है मैं जाता हूँ। हे एंड भैया तुम घर बना लेना। ओए सामान भी लेके आते रहियो, नहीं तो बोलना डेढ़ को तोड़ डालूंगा। हे भैया ठीक है यार। एंड दोस्तों फिर मैं जल्दी से पेड़ को काटने के लिए जंगल में आ गया। एंड मैंने बहुत सारे पेड़ काटे। हे एंड दोस्तों मैं काटता गया। हे एंड हाँ दोस्तों, भैया ने बोला था कि ये व्हाइट वाले वो प्लेन ज्यादा लेके आना, इसलिए मैं इनको ही ज्यादा काटूंगा। हे एंड फिर दोस्तों मुझे कोबल स्टोन की जरूरत थी यार, क्योंकि मुझे एक एक्स भी बना दी थी। हे फिर दोस्तों मैंने बहुत सारा कोबल स्टोन तोड़ा। एंड ये दोस्तों कोबल स्टोन हमारे घर के भी काम आ जाएगा। फिर मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया, चलो चला जाए। एंड फिर जल्दी से मैं ऊपर आ जाता हूँ। एंड दोस्तों क्राफ्टिंग टेबल को लगा के फिर मैं एक पिकैक्स बना लेता हूँ। हे एंड दोस्तों मैं सेक्शन में गया, ये रही पिकैक्स। हे चलो दोस्तों दो तीन तो बना ही लेता हूँ। हे चलो अब जल्दी जल्दी से और ट्रीज को काटेंगे। हे क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हमारे घर से ये बहुत दूर है ये जंगल, इसलिए हमें बहुत दूर से आना पड़ता है, इसलिए मैं एक ही बारी में बहुत सारे वुडन प्लैक लेके जाऊंगा। हे फिर मुझे भूख भी लगी, मैंने खाना भी खाया। तू मेरी आंखों में आंसू आ गए होगी, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है तू। यार खाने पड़ेगी, नहीं तो हमारे पास घर नहीं होगा। फिर उसके पास मैंने बहुत सारी सैपलिंग भी तोड़ी, क्योंकि ये हमारे ट्रीज को उगाने में काम आएगी, क्योंकि हमारे घर के पास एक भी पेड़ नहीं है यार, इसलिए मुझे इतनी दूर आना पड़ता है। हर दो तो फिर साफ हो गई, फिर मैं जल्दी जल्दी निकल लिया। पहले तो गाइस मैं रास्ता भूल गया था, लेकिन गाइस जो मैंने आते समय टॉर्चेस लगाई थी उसकी मदद से मुझे रास्ता आसानी से मिल गया। हे एक टॉर्चेस मैंने यहाँ पे लगाई थी, एक वहाँ पे लगी है एंड एक वहाँ पे बीचों बीच लगाई थी जंगल के, जिससे मुझे रास्ता पहचानने में आसानी हुई। एंड यही और इस बार तो गाइस हमारा एक भी हार नहीं गया। हे एंड फिर दोस्तों जल्दी से मैं घर पे गया एंड जाके ही सो गया। हे एंड दोस्तों सुबह आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। हे चलो दोस्तों जल्दी जल्दी से अपना अपना बैड ले लो। हे मैंने भैया का भी बैड ले लिया गलती से, ओए जल्दी दे मेरा बैड ले गए। हे ये लो भैया यार। देख के बच्चे तेरी जबान जो जल्दी चल रही है, मेरे को आ जाए फिर देखते हो तुझे। हे वो चलो ललो नहीं। फिर दोस्तों मैंने जल्दी से सारी चेस्ट तोड़ी, हैंड क्राफ्टिंग टेबल को भी तोड़ा। एंड दोस्तों अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। हे चलो दोस्तों अब तैयार हो। हमारा घर तैयार हो चुका है। ओए मुन्ना मेरी मेहनत है। हे यार भैया तुमने बहुत मेहनत की है, थैंक यू यार। चलो दोस्तों अब बेड और भैया ने अपना बेड लगा लिया है, थ्री स्पॉट पॉइंट सेट कर दिया है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें घर भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, अब हम इसी घर को सजाएंगे एंड इसको बहुत खूबसूरत बनाएंगे एंड प्यारा भी बनाएंगे। हे इसकी घर की ठाकुर की कर दे गए होगी। हे बॉबी ये क्या बोल रहे हो यार?
ओए क्या बोल रहा है वो ठाकड़े की नहीं इसको सुंदर बनाएंगे भाई। मुझे शिकारिया लल्ला कुछ नहीं। फिर दोस्तों मैंने और अपने भैया के लिए एक एक तीर कबाड़ बनाया। हे भैया ये लो अपना बो। ओए मुन्ना क्या हे यार भैया तुम्हारे कान खराब है क्या? मैं तुम्हें बो दे रहा हूँ यार। हे अपना बोलो यार। मुझे लगता है भैया मैं एक एरो मारना ही पड़ेगा। हे इधर देखो। हे अब देखा भैया ने। हे मारो नहीं मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ ये लो। ओए मुन्ना तूने मेरे लिए बो बनाया थैंक यू यार। हे भैया उसे ले भी लो यार। ओए मुन्ना ले लूंगा। हे चलो ठीक है भैया ले लेना यार। दोस्तों फिर मैंने अपना सारा इन्वेंटरी का सामान अपनी लार्ज चेस्ट में ट्रांसफर करके मैं और भैया निकल गए माइनिंग के लिए। हे चलो भैया। ओए मुन्ना तू चलो मैं तो आ ही रहा हूँ। हे चलो सीप को भी मार लेता हूँ खाने के काम आएगी थोड़ा सा। हे चलो आप दोस्तों माइनिंग की जाए है ना दोस्तों। मैं और भैया आपको कुछ दिखाना भी चाहते हैं। हे दोस्तों इधर आओ। हे आ यार भैया आ रहा हूँ। हे टाटा दोस्तों हे देखो यहाँ से अब भैया के घर पे निकलते हैं। मुन्ना ये बहुत अच्छी जगह मिल गई अपन को। हे आ यार भैया। एंड दोस्तों अब हम यहाँ पे बहुत मस्त मस्त सी चीज करने वाले हैं। हे चलो दोस्तों अब थोड़ी माइनिंग भी कर ली जाए क्योंकि हमारे पास कोबल स्टोन खत्म हो गया था। हे एंड आयरन मिल जाए तो क्या ही बात है। एंड दोस्तों मैंने और भैया ने बहुत ही ज्यादा माइनिंग की एंड उसके बाद भी हमें कुछ नहीं मिला यार। अरे यार जोगी झूठ बोल रहा है दो ब्लॉक मिले तो थे आयरन के। हे वो तो स्टोन थे यार। अब हमें उनसे सिर्फ एक ही कारण इनगॉट मिलेगा। चलो दोस्तों इतना बुरा भी था इनका माइनिंग का सफर। एंड दोस्तों हे अब ये देखो हम यहाँ से आ जा सकते हैं अपनी माइनिंग में। हे भैया चलो जल्दी बंद कर दो। एंड चलो दोस्तों अब रात भी बहुत ज्यादा ही हो चुकी है। फिर मैं और भैया सो गए। एंड आप सभी लोगों से सुबह मिलते हैं। हे चलो दोस्तों सुबह भी हो चुकी है। एंड दोस्तों क्या ही सुहानी सुबह हुई है। एंड दोस्तों ये देखो हमारा सुंदर सा हाउस सुबह सुबह। एंड दोस्तों आज हमने बहुत सारा काम किया। हमने घर भी बनाया एंड हमने बाइडिंग भी की। हे स्केलेटन का बच्चा आ गया। चलो दोस्तों अब आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दुगनी मस्ती के साथ क्योंकि बॉब आ रहा है।